जय हिंद दोस्तों। वैसे तो फ्री का इंटरनेट किसको पसंद नहीं होता, लेकिन जियो से सब नफरत करने लगे हैं। जियो से सब नफरत करने लगे हैं ये बोल बोल के कि भैया जियो जो है भाजपा को ही सपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती है और सिर्फ अपने आप को अमीर बनाने के लिए गरीबों का शोषण कर रही है। लेकिन फ्री का इंटरनेट सबको पसंद होता है और इसीलिए जियो का मोह भी लोग छोड़ नहीं पाते। लेकिन अब जब जियो इंडियन बाज़ार में आया, उसके बाद इंडिया के मार्केट में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद एकदम से बढ़ गई। ये भी बात उतनी ही सच है जितनी कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है उतनी सच है। लेकिन इस बारे में हम लोग ज़्यादा आज बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात आज हो रही है उन यूट्यूबर्स की जो कि जियो के आने के बाद से एकदम से लाइमलाइट में आ गए थे। वो लाइमलाइट में आए वो आए, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी मेन स्ट्रीम की नौकरी छोड़कर यूट्यूब पे एक करियर बनाने की सोची। और फिर ऐसे लोग भी थे जिनको मेन स्ट्रीम से नौकरी से निकाल दिया गया और फिर उन लोगों ने यूट्यूब पे आके अपनी उसी बकैती जो होती है ना उसको कंटिन्यू कर दिया। इसमें कई सारे पत्रकार शामिल हैं जिन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को अब छोड़ दिया है और अब वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी बात सामने रख रहे हैं। इसी एक मसले में एक इंसान को भी गिरफ्तार किया गया था। और हाँ, एक चीज़ और, जिन लोगों को मेरे शब्दों में आने वाले उर्दू के शब्दों से दिक्कत है वो इस बात को समझ लें कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे उर्दू बहुत अच्छे से बोली जाती है और एक दूसरे को उतने ही सम्मान से बात भी की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कुछ और समस्या है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको परेशानी हो रही है आप बिल्कुल ना सुने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मसला भी यहाँ पे ये है कि कई सारे पत्रकारों ने इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया। और अभी पिछले कुछ दिन पहले एक पत्रकार जो थे वो गिरफ्तार भी इस चीज़ में हुए थे, क्योंकि वो किसी भी मीडिया हाउस से संबंध नहीं रखते थे, बस अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पत्रकार बताते हुए अंदर घुसने लगे। अब जब आप इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक टूल की, और वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज़ का रोना रोते हुए हर एक चीज़ के ऊपर आरोप लगाते हैं और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। अब जो चीज़ निकल के सामने आई है वो ये, अभिसार शर्मा, हर कोई इनके नाम से वाकिफ है, काफ़ी अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन एक समय के बाद इन्होंने पता नहीं क्या सोचा समझा, लेकिन अब यूट्यूब पे अच्छे खासे सक्रिय हैं, वहीं पे अपने वीडियोस बना बना के डालते भी हैं। और अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ दिन पहले के बल्कि कल की ही बात है, ऐसी खबर सुनने में आई कि भाई ईडी ने जो इनका ऑफिस है उसमें जो है रेड मार दी। अब खबर आपको बताता हूँ कि अभिसार शर्मा, जी हाँ, न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के मालिकों और शेयर होल्डर्स के घर प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने रेड मारी है। धान को गेहूं बताकर चर्चा में आने वाले पत्रकार से ट्विटर ट्रोल बने अभिसार शर्मा ने जानकारी दी। रिपोर्ट कम और अपना दुखड़ा सुनाते हुए उन्होंने ये भी लिखा कि न्यूज़ क्लिक ही वो वेबसाइट है जिस पर वो अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। ये सूचना खुद गालीबाज अभिसार शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। रेड की सूचना देते हुए अभिसार शर्मा ने लिखा कि इसी चैनल पर मैं अपने शो बोल के लब तेरे आज़ाद हैं और न्यूज़ चक्र चलाता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने ट्वीट क्या किया था मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे कि बात बिगड़े ना। ये इन्होंने, अभिसार शर्मा जी जो हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया था, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा, ईडी रेड्स एट न्यूज़ क्लिक्स ऑफिस एंड डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स होम सिंस 10 AM इन द मॉर्निंग। न्यूज़ क्लिक दिस इज़ वेयर आई डू माई शोज़ बोल के लब आज़ाद हैं तेरे एंड न्यूज़ चक्र। गौरतलब है कि YouTube वीडियो बनाने और Twitter पर लोगों को गाली देने से पहले अभिसार शर्मा समाचार चैनल ABP न्यूज़ पर एंकरिंग करते थे। बताया जा रहा है कि ईडी कुछ संदिग्ध कंपनियों से विदेशी धन लेने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के डायरेक्टर्स और उनके कार्यालयों पर छापे मार रही। रिपोर्ट्स के अनुसार ये छापेमारी न्यूज़ क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और संपादक प्रांजल के घर पर की जा रही है। द हिंदू के अनुसार ये छापेमारी दिल्ली स्थित कार्यकाल पर की जा रही है। अभिसार शर्मा ने इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी। कुछ ट्विटर यूजर्स का कहना है कि क्या इस रेड के बाद अभिसार अब यूट्यूब से भी बेरोजगार हो जाएगा। सीधी सी बात है, यूट्यूब ही अब उनके रोजगार का एकमात्र बचा है। तो अंकुर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूट्यूब पर भी बेरोजगार होगा क्या अब ये? इस रेड के बाद ट्विटर पर वामपंथी मीडिया ग्रुप भी सक्रिय हो गया। इस रेड को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर ही हमला बोल दिया गया। रोहिणी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए लिखा कि ये सरकार अब भी इसका ध्यान नहीं रखती कि प्रतिशोध की भावना कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। दिस गवर्नमेंट डजंट इवन केयर एनीमोर टू मेक इट्स वेंडेटा लुक लेस ऑब्वियस। रोहिणी सिंह काफ़ी प्रख्यात लेफ्टिस्ट मानी जाती है, काफ़ी निडर होकर अपने बोल भी सामने रखती है और इस तरह की बातें वो यदा कदा करती रहती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अभिसार शर्मा के लिए निकल के सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये होगा कि ईडी ने जो छापेमारी ये करी है वो आखिर क्यों करी है और क्या कुछ कारण है जिस कारण से ये छापेमारी करी गई है।
तो इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान एक और आर्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा, और इसके लिए आपको अपने ये जो मैं अभी स्क्रीन पे डेटा शेयर करने वाला हूँ इसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आप लोगों को भी समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये जो पूरा चक्कर चल रहा है दरअसल ये है क्या। और ये जो छापेमारी हो रही है ना, ये सिर्फ छापेमारी नहीं है नॉर्मल सी, बल्कि इसमें कई सारे लोग हैं जो कि शामिल हैं। और किस तरीके से जो शेल कंपनियाँ, अगर आपको नहीं पता है, शेल कंपनीज जिनके नाम पे लोग पैसा छापते हैं और जो दो नंबर का पैसा हम कमाने की लगातार बातें करते हैं ना, वो दो नंबर का पैसा कमाने की जो चीज़ें होती हैं वो इसी के थ्रू होती है, शेल कंपनीज के थ्रू। मतलब मेरे पास दो नंबर का कहीं से एक 5 करोड़ रुपये आया, वो 5 करोड़ रुपये मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया भाई इन्वेस्टमेंट के नाम से, और लोगों को सैलरी के नाम पर बांट दिया, जबकि वो पैसा दो नंबर का पैसा था, वो मैंने कंपनी से कमाया ही नहीं था, तो मैं बांट कैसे सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें शेल कंपनी के थ्रू लोग करते हैं और अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कोशिश करते हैं। अब ये आर्टिकल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझाई गई है। तो इस आर्टिकल में है न्यूज़ क्लिक का अर्बन नक्सल गौतम नवलखा, न्यूज़ लॉन्ड्री और दूसरे वामपंथी पोर्टल से गठजोड़, 30 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की खबर आई है सामने। ईडी ने मंगलवार मतलब 9 फरवरी को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिस पर भी छापा मारा गया है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत पीपी के न्यूज़ क्लिक के स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आय की जांच के लिए दिल्ली और NCR क्षेत्र में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी ली। बता दें कंपनी पर 3 साल में 30 करोड़ से अधिक धन प्राप्त करने का आरोप है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये अच्छा खासा अमाउंट होता है जो कि आपने हासिल किया है। सूत्रों का कहना है कि अवैध तरीके से कमाई गई इस धनराशि का कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि से कोई भी लेना देना नहीं। कहा गया है कि धन पत्रकारों को या फिर कार्यकर्ताओं को वेतन के नाम पर मतलब सैलरी के नाम पर बांटा गया, जिस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। लाभार्थियों में तीस्ता सिरदलवाड़ा से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अन्य लाभार्थियों में गौतम नवलखा, प्रजॉय गुहा, ठाकुरता आदि शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि लाभार्थी प्रथम दृष्टया सर्विस के प्रावधान से जुड़े प्रतीत नहीं होते हैं। सूत्रों ने वाइकिंग सिस्टम इंटरनेशनल इंक नामक एक अमेरिकी बेस्ड कंपनी का भी उल्लेख किया है। उनकी वेबसाइट के अनुसार न्यूज़ क्लिक का स्वामित्व पीपी के न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के पास है। प्रवीर पुरकायस्थ कंपनी के निदेशक हैं, वहीं प्रांजल पांडे अतिरिक्त निदेशक हैं। उनके खिलाफ भी छापे मारे गए हैं। अब कौन है प्रवीर पुरकायस्थ उसके बारे में समझते हैं। न्यूज़ क्लिक के संपादक होने के अलावा प्रवीर एक इंजीनियर और साइंस एक्टिविस्ट हैं। वो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया FSMI के अध्यक्ष भी हैं। 2017 में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में काम करने वाले 16 मुक्त सॉफ्टवेयर FSM एक साथ आए और FSM का एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का फैसला किया। इसी के परिणाम स्वरूप FSMI का गठन हुआ। FSMI के लक्ष्यों में फॉरवर्ड फ्री सॉफ्टवेयर और इसके वैचारिक निहितार्थ हमारे राष्ट्र के सभी कोनों को विकसित डोमेन से वंचित तक ले जाना और मुफ्त सॉफ्टवेयर के उपयोग में कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इन्होंने पूरा अपना गोल बताया गया है, ये उसी की उन्हीं की वेबसाइट से शामिल किया गया है। प्रवीर कथित तौर पर दिल्ली विज्ञान मंच मतलब DSF के संस्थापक सदस्य भी हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार दिल्ली विज्ञान मंच का गठन वर्ष 1978 में सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक जनहित संगठन के रूप में किया गया था। मंच का प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों को लोकप्रिय बनाने सहित विज्ञान और समाज इंटरफेस का काम करना था। ये पूरी जानकारी थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, पर आप सुनिए जिससे आपको पता चलेगा कि पैसे का जो हेरफेर चल रहा है कैसे चल रहा है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के अनुसार उन्होंने कई प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पर विज्ञापन प्रौद्योगिकी नीति के मुद्दों को लिखा प्रकाशित किया है, जिनमें आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक टाइम्स ऑफ इंडिया और दिल्ली के विज्ञान फोरम शामिल हैं। उनके कॉलम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट में भी शामिल हैं। ये गौर करने वाली बात है, उन कॉलमों में वो COVID-19 पैंडेमिक ऑफ एंड द पैथोलॉजीज ऑफ लेट कैपिटलिज्म और अन्य मामलों के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि कम्युनिस्ट की वेबसाइट पर शामिल हैं। इसके आगे प्रवीर के उन संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को भी संबोधित किया गया है जो ओमेडियर नेटवर्क सहित विदेश से धन प्राप्त करते हैं। वो कई कंपनियों में निदेशक भी हैं। वो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, सग्रीक प्रोसेस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पीपी कनेक्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य में निदेशक भी हैं। गौतम नवलखा के साथ उनके संबंध,
सबसे दिलचस्प बात यह है कि SSPL में प्रवीर के साथ गौतम नवलखा भी एक निर्देशक थे। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए थे, अर्बन नक्सलियों में से एक, और कथित तौर पर पाकिस्तान के ISI के साथ उनके संबंध भी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बताया गया कि गौतम नवलखा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ भी संपर्क में थे। ये पूरा एक खांचा दिया गया है। गौतम नवलखा PP न्यूज़ क्लिक स्टूडियो के स्वतंत्र पार्टनर थे, जहां उन्होंने 17 अप्रैल 2017 को पद पर नियुक्त किया गया। यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यूज़ क्लिक के वर्तमान मालिक पीपी के न्यूज़ क्लिक प्राइवेट लिमिटेड में भीमा कोरेगांव हिंसा के 10 दिन बाद 11 जनवरी 2018 को संयुक्त हुआ था, ठीक उस घटना के बाद। ये सब घटनाएं एक बहुत ही संदिग्ध श्रृंखला की ओर इशारा करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवीर और गौतम को सितंबर 1993 में SSP के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गौतम को अप्रैल 2017 में पीपी न्यूज़ क्लिक स्टूडियो LLP के स्वतंत्र भागीदार के रूप में भी नियुक्त किया गया। DigiPub न्यूज़ फाउंडेशन के बारे में, डिजिटल युग के एक स्वस्थ और मजबूत समाचार पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मीडिया संगठनों द्वारा DigiPub न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य एक मंच का निर्माण करना है जो कि डिजिटल समाचार मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में ऑल्ट न्यूज़, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, द न्यूज़, द न्यूज़ मिनट, द क्विंट, द वायर आदि शामिल हैं। नामों में आकाश बैनर्जी, फेयर डिसूजा, प्रजॉय गुहा, ठाकुरता, नेहा दीक्षित भी शामिल हैं। जोबा कॉप के अनुसार प्रवीर DigiPub के निदेशकों में से एक थे। DigiPub के अन्य निदेशकों में द न्यूज़ मिनट के धनाय राजेंद्रन, न्यूज़ लॉन्ड्री के अभिनंदन और द क्विंट की के ऋतु कपूर शामिल हैं। ये सब उसके फाउंडेशन वाले लोगों के नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये शामिल आई हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किस तरीके से सारी एक एक चीज़ें करके एक दूसरे से लिंक होती जा रही हैं, और फिर बात आती है इतनी बुरी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जिसके बारे में EDF छापे मार रही है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे कुछ आपको समझाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि आखिरी चीज़ें चल क्या रही हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।